हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फोटोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे और इससे पहले भी हम फोटोग्राफी से ही संबंधित चर्चा किए थे, तो उस जिसमें हम बताए थे फोटोग्राफी का इंट्रोडक्शन और सबसे पहले और दूसरे कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है हमारा, सन 1978 में पोलाराइड S70 कैमरा किस प्रकार का कैमरा था जिसमें प्रथम ऑटो फोकस पद्धति लगी थी। तो दोस्तों, जो 1978 में पोलाराइड कैमरा था वो SLR कैमरा था। दोस्तों, ये पहला SLR कैमरा था, जो S70 है वो पहला SLR कैमरा था जिसमें ऑटो फोकस पद्धति लगी थी। दोस्तों, इसके बाद जो कैमरा आया वो पेंटेक्स मी F35mm में यह प्रयोग हुआ, जो ऑटो फोकस पद्धति दूसरे वाले कैमरे में लगी उस कैमरे का नाम जो है पेंटेक्स मी F35mm, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों एक चीज़ और की ये देख लीजिए, जो पहला कैमरा SLR बना था जिसमें ऑटो फोकस पद्धति थी वो इस तरीके का था। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें फ्लैश, हार्ट शू, LCD पैनल, मतलब क्या चीज़ कहाँ पे है ये सब इसमें रखा हुआ है। नेक्स्ट है, डॉक्टर एडविन एच ने चित्र बनाने की प्रक्रिया पोलाराइड कैमरा का आविष्कार कब किया। डॉक्टर एडविन एच ने चित्र बनाने की प्रक्रिया पोलाराइड कैमरे का आविष्कार कब किया। तो दोस्तों, वो 1947 में किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, एक चीज़ और बता दें कि पोलाराइड कैमरे के बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप पोलाराइड कैमरे के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रथम बार पोलाराइड कैमरे में कलर फिल्म का प्रयोग कब किया गया। पहली बार पोलाराइड कैमरे में कलर फिल्म का प्रयोग कब किया गया। दोस्तों, एक चीज़ बता दें हम इस पोलाराइड कैमरे के बारे में, जो पोलाराइड कैमरा जो पहला बना था वो ब्लैक एंड वाइट पर्पज़ से बना था, उससे जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जाती थी। लेकिन 1963 में दोस्तों इस पोलाराइड कैमरे में कलर फिल्म का प्रयोग किया गया 1963 में। दोस्तों, जो फिल्म होता था उसको हम पॉजिटिव पेपर कहते हैं, जो फिल्म होता है उसको हम पॉजिटिव पेपर पे करते हैं, जो कलर प्रिंट लेकर आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये है पोलाराइड कैमरा, आप देख सकते हैं सामने जो रखा हुआ है, जिसमें हम अभी ऊपर चर्चा कर रहे थे, जो पहला कलर फिल्म बना पोलाराइड कैमरा 1963 में वो कुछ इस तरीके से था दोस्तों, जिसमें तुरंत कलर प्रिंट फोटो निकल जाते थे। दोस्तों, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम ऑटो फोकस उपभोक्ता कैमरा कौन था। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विश्व का प्रथम ऑटो फोकस उपभोक्ता कैमरा कौन था। तो दोस्तों, कोनिका C35 कैमरा था, कोनिका C35 कैमरा जो 1977 में लॉन्च हुआ था। कोनिका C35 जो है 1977 में लॉन्च हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए, ये जो 1977 में ऑटो फोकस उपभोक्ता कैमरा था, जो पहला विश्व का पहला था, ये था, देखिए ये विश्व का पहला कैमरा था कोनिका C35, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ। डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ। तो दोस्तों, जो डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग हुआ था वो 20वीं सदी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी का आविष्कार कब हुआ। फोटोग्राफी का आविष्कार कब हुआ, तो लगभग 400 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट,
सन 1882 में किस कंपनी द्वारा डिजिटल स्टील वीडियो कैमरा मविका का प्रदर्शन किया गया? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो 1982 में किस कंपनी ने, मतलब इसमें पूछ रहा है कंपनी का नाम, जो डिजिटल स्टील वीडियो कैमरा का प्रयोग किया गया। दोस्तों जो पहला डिजिटल स्टील वीडियो कैमरा था वो ये था, देखिए आप, ये वीडियो कैमरा था दोस्तों, पहला स्टील कैमरा जो 1982 में इसको लॉन्च किया गया था। और इससे पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया था दोस्तों, तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, कोडक, निकोन, सोनी, पेंटेक। तो दोस्तों 1982 में सोनी कंपनी ने इसे लॉन्च किया था, जो ये पहला स्टील वीडियो कैमरा बना, इसका नाम दिया गया माविका। नेक्स्ट है, ये कैमरा है दोस्तों। नेक्स्ट, कोडक द्वारा स्लाइड फिल्म कोडा क्रोम का निर्माण कब हुआ? कोडक द्वारा स्लाइड फिल्म कोडा क्रोम का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों 1915 में हुआ था। नेक्स्ट, कोडक DCS-100 डिजिटल SLR कब तैयार किया गया? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो DCS-100 डिजिटल कैमरा जो है SLR, वो 1991 में तैयार किया गया था। फिल्म को एक्सपोज करते ही फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए तत्काल परिणाम देने वाला कौन सा कैमरा है? दोस्तों इसका अभी चर्चा हम ऊपर कर रहे थे और इसका विजुअल भी हम दिखाए हैं आपको, तो वो पोलराइड कैमरा है दोस्तों, जो फिल्म को एक्सपोज करते ही फोटोग्राफ जो है तुरंत परिणाम देता है, मतलब तुरंत उसका प्रिंट निकल आता है उस कैमरे से। दोस्तों आप लोगों ने शायद उसको ट्राई भी किया होगा। नेक्स्ट है, 110 कैमरा में निगेटिव आकार कितना होता है? 110 कैमरा में निगेटिव आकार कितना होता है? तो दोस्तों 110 कैमरा कैसा होता है ये हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, ये होता है दोस्तों, देखिए कितना पतला है और इसका फ्लैश कहाँ पे है, शटर बटन कहाँ है, लेंस कहाँ पे भी, ये ध्यान से आप देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सॉरी, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है दोस्तों हमारा कि 110 कैमरा में निगेटिव आकार कितना होता है, तो वो दोस्तों 13x7 mm होता है। दोस्तों एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि 1972 में कोडक द्वारा इस प्रकार के कैमरे बनाए गए थे, तो जो ये कैमरा बना था 110 दोस्तों, वो 1972 में लॉन्च हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, और हम फिर मिलेंगे फोटोग्राफी के ही टॉपिक पे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।